हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ड्यूटी से आने के बाद मैं जा रही हूँ स्टेशन। ये देख रहे हैं हमारे इधर कितना जंगल जंगल है। ये बांधवगढ़ से लगा हुआ है इसलिए बहुत सारे जंगल हैं। यहाँ पे जानवर भी निकलते हैं बीच बीच में सुबह शाम। अभी तो नहीं मिले हैं। तो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन को आने के लिए थोड़ा सा लेट है, ज़्यादा लेट नहीं है, 5-10 मिनट का है, तो बस पहुंचने ही वाली है। और देख रहे हैं स्टेशन में भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये दीपावली का समय है, तो सब लोग आना जाना कर रहे हैं अपने अपने घर पे। तो ट्रेन आ चुकी है और मेरे बिट्टू भी आ चुके हैं। मैं अपने बिट्टू को लेने आई थी। ये है मेरे बिट्टू। हम आ गए हैं बेकरी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे। और यहाँ पे फ्रेश मिलता है क्योंकि ये खुद बनाते हैं, और कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाते, कुछ चीज़ें खुद से बनाते हैं, तो यहाँ फ्रेश मिलता है इसलिए हम लोग यहीं पे आए हैं। तो ले लेते हैं, इसके बाद निकलेंगे। ये देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, कुकीज़ वगैरह, बिस्किट, ब्रेड। ब्रेड तो तुरंत का बना होता है, एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश मिलता है, तो हम लोग यहीं से लेते हैं। ले लेते हैं बिट्टू को चॉकलेट वगैरह भी चाहिए, मैगी, पास्ता, और मुझे भी सॉस वगैरह चाहिए तो ले लेते हैं। ये देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे केक हैं। अभी बीच में आएंगे तो केक भी लेके जाएंगे। पेस्ट्री वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, आइसक्रीम भी हर फ्लेवर का आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ले लेते हैं हम लोगों को जो जो चाहिए होगा। तो सब ले चुके हैं, बस निकलने ही वाले हैं क्योंकि आधा घंटा लगता है घर पहुँचने में। घर वापस लौट रहे हैं। इधर देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, इधर जंगल ही जंगल है, बांधवगढ़ से जुड़ा हुआ है। और इधर का रोड में भी बहुत ज़्यादा टर्निंग है, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है। तो हम लोग जंगल इलाके में ही रहते हैं, मतलब जंगल पहाड़ी पहाड़ में ही रहते हैं। इधर जंगल जंगल ही है, शेर भी निकलते हैं इधर। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर, शाम भी हो चुका है। तो मैं फ्रेश व्रेश होकर के जा रही हूँ किचन में, कुछ बनाऊंगी क्योंकि बिट्टू थकी भी है और उसको भूख भी लगा है। कल शाम का खाई थी, 4 बजे से ट्रेन बैठी थी तो कुछ खाई नहीं है। तो चार ऐसे कुछ रख ही रही होगी, पराठा वगैरह। हॉस्टल में तो जानते हो, हॉस्टल में रहती है तो हॉस्टल का खाना ही होता है। तो आज तो उसको सिंपल ही दूंगी क्योंकि सफ़र से आई है, तो ज़्यादा मसाला तेल वाली खाना नहीं दूंगी, सिंपल ही बना करके दूंगी। वो भी अभी रेस्ट करने लगी है, थोड़ा सा चाय वाय पी करके। मैं तो पी नहीं हूँ तो जाती हूँ, मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर उसके लिए कुछ सिंपल सा खाना बनाऊँगी। सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। और दिवाली का टाइम है तो अब थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग घर आ रहे हैं। बिट्टू तो आ चुकी है, बाकी लोग भी जो बाहर रहते हैं सब आ रहे हैं घर पे, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा और मेरी छुट्टी रहती नहीं है, फिर भी मुझे तो करना ही होगा। हमारे यहाँ इलेक्शन है अभी, तो आचार संहिता लगा हुआ है, इसके कारण छुट्टी भी नहीं मिल रही। शायद एक दिन की छुट्टी मिलेगी दिवाली की, तो हमारा तो ऐसे ही दिवाली चला जाता है। कोई बात नहीं, हम अच्छे से मनाते भी हैं दिवाली, छुट्टी नहीं तो क्या हुआ, काम के साथ दिवाली मनाएंगे। तो चलिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।